जयराम जी बोले थे कि अगर चुनाव का सिंबल आ जाएगा तो गिरिडीह धनबाद दोनों जगह से मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग धनबाद के लिए एक बेहतर प्रत्याशी की तलाश में हैं और उम्मीद है कि हम लोग वहाँ एक बेहतर प्रत्याशी को इनपुट करेंगे जो हमारे लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। आप लोग राजकुमारी के लिए बैठक रखे थे, कहते थे कि दो दिन में हम घोषणा कर देंगे धनबाद लोकसभा कैंडिडेट का, लेकिन अभी तक एक्चुअली जब बड़ी पार्टियां खामोश है तो कभी कभी मौन बहुत बड़ा हथियार का कार्य करता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियां जो केंद्र स्तर की है वे किस प्रकार का रिजल्ट लेती है लाती है, उसके बाद हम लोग धनबाद के नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर बात करें सेंट्रल विषय की तो मोदी जी ने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे, पर आप देखेंगे कि मोदी जी की गारंटी है कि वो बोले कि भाजपा का खाता में ही काला धन आ रहा है, जनता के पास नहीं जा रहा। देखिए सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कारण है कि विश्व के बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं गरीबों का रोल नहीं है। अगर आपको बड़ी पार्टी बनना है तो अमीरों का रोल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो पूंजीपतियों की पार्टी है और ये नहीं। चूंकि अभी भारत देश में खासकर उत्तर भारत में लोगों की जो विचारधारा है वो धार्मिक विचारधारा, ठीक है, देखिए धर्म हर किसी का होता है, हर व्यक्ति धार्मिक होता है, किसी न किसी धर्म पर उसकी आस्था होती है, लेकिन राजनीतिक लोग जिस धार्मिक विचारधारा को लेकर आते हैं ना, उसका कारण यही होता है कि वो अपने कारनामों जो मैंने काले कारनामे हैं उनको ढकने के लिए वो इस भावनाओं का प्रयोग करती है। और उसी मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो उद्योगपतियों की पार्टी है, उनकी पार्टी में कॉरपोरेट जगत के लोगों का इंटरफेयर है और ये चीज़ें तो अब सामने आने ही लगी है, मैंने शुरू से कहा है। उसका उदाहरण देखिए आज किसानों को 700 किसानों की मृत्यु होती है तब 3 कृषि बिल वापस होते हैं। तो गांधी के देश में और किसानों के देश में आज किसानों के पक्ष में अगर नीतियां नहीं बनती है तो कारण यह है कि कॉरपोरेट से लोग चंदा लेते हैं, और कॉरपोरेट अगर चंदा लेते हैं तो भाई उनको क्या चाहिए, कॉरपोरेट को फैक्ट्री चाहिए बनाना है, फैक्ट्री कहाँ खड़ी होगी, नदी नाला में नहीं होगी, किसानों की जमीन में खड़ी होगी। इसलिए आज किसानों का दोहन, और इसीलिए चालाकी के साथ आर्टिकल 31 जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया है ताकि कोई आम व्यक्ति अपनी संपत्ति की गारंटी ना ले सके इस देश में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो भी चल रहा है चर्चा पूरे मीडिया में, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल पारदर्शिता होनी ही चाहिए थी शुरू से, और सबसे पहली बात है तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रकार अगर आप कॉर्पोरेट से चंदा लेंगे तो जाहिर सी बात है गलत काम करेंगे। अभी उदाहरण के लिए हम लोग वेदांता बोकारो में भी है, वेदांता में जब रैयत आंदोलन करते हैं तो वेदांता वाले कभी कभी अपना हट में आते हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री को चंदा जा रहा है, आप क्या कबाड़ लीजिएगा, उनके माइंड में ये चीज चलता है। अभी BSL में लोग धरना पर बैठे हैं तो BSL के माइंड में क्या चल रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री को चंदा देते हैं, देश के मैंने तमाम टॉप जो मोस्ट लीडर हैं मंत्री हैं उनको चंदा देते हैं भैया, तब क्या उखाड़ लोगे, ये माइंड में उनका चलता है। तो इसीलिए लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए चाहिए कि मेरा तो मानना है कि कुछ कानून ऐसे बनने चाहिए जो जिसमें MP MLA के आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, उन पर विशेष निगरानी हो। और जब तक आज हम गरीबी हटाओ की बात करते हैं, अरे भाई गरीबी हटाओ से अच्छा होगा अमीरी को कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो आने वाला दिन ऐसा होगा इस देश में कि गरीब और शोषित व्यक्ति लास्ट में क्या करेगा, किसी को चबाने के लिए दौड़ेगा, ये परिस्थिति सामने आएगी। इसीलिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक वितरण भी हो, सामुदायिक वितरण हो। आप तो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति को जमा करने पर तुले हैं, और अभी कभी कभी तो डाउट होता है कि इंडिया मतलब INDIA इंडिया होता है या फिर ADANI अडानी का मतलब इंडिया होता है, वो परिस्थिति भी आती है सामने। तो ये चीजें देखिए, आज प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने का बात कहते हैं, महाशक्ति होने का बात कहते हैं, अरे भाई जब गरीब व्यक्ति के पास भोजन नहीं रोटी नहीं और विश्व गुरु होने का दावा करते हैं तो ये हवा हवाई बातें हैं। इसीलिए सामाजिक न्याय का मतलब है सामुदायिक वितरण हो और मैक्सिमम लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध हों, आर्थिक उन्नति हो, तभी आप विश्व गुरु होने की बात कहेंगे। आप अंबानी और अडानी के नाते देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। जिस तरह से भाषा आंदोलन पर आप लगातार मुख्य रूप से आप आगे आए इस आंदोलन को लेकर के, अभी आप देखेंगे कि नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उड़िया और बांग्ला भाषा को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, झारखंड सरकार का एक नया नोटिफिकेशन आया। देखिए लगता है कि जो माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है आदरणीय गुरुजी, उनका सभी रिलेशन उड़ीसा में है, पता नहीं कहीं अपना संधि वालों को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे। देखिए सबसे पहली बात, सब क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है जिस क्षेत्र में उसका उद्गम होता है, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी यहाँ की जनजातीय भाषा की, यहाँ की झारखंड की जो सदानी भाषाएं हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। और इवन की रिपोर्ट भी कहती है 2050 आते आते 8 भाषाएं लगभग संकट की स्थिति में रहेंगी या फिर खत्म होने की स्थिति में चली जाएंगी जो झारखंड की होंगी। तो ये इनको जब सरकार में बैठे हैं तो उन्हें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री के परिवार भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये तो मैंने पहले कहा, अघोषित राजतंत्र ही चला है, लड़ना चाहिए भाई, जब सब कोई लड़ रहा है
भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, आईसू से लड़ रहे हैं, जेएमएम से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की परिवार और पीछे कहाँ हटेंगे। और मुख्यमंत्री की पत्नी ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आज के 15 साल बाद जब फिर एक राजनीति का नया दौर होगा उस समय मुख्यमंत्री के भतीजे, उनके भतीजियां, उनकी बेटियां भी चुनाव लड़ेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जब उन लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता सवाल नहीं करती है, राम जी जब चुनाव लड़ते हैं तो वही वही सबसे बड़ा दिक्कत है। इसी झारखंड में 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव में परिवार के लोग जीते लेकिन कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन एक नया लड़का आया सबको पेट में दर्द। इसका दो कारण है, एक है 3 इडियट्स कि अगर दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, दोस्त टॉप कर जाए तो महा दुख होता है। तो कुछ युवाओं को लगा कि बेटा वो लड़का हम क्यों नहीं, वो मेरे घर का क्यों नहीं, मेरा रिलेटिव क्यों नहीं। और एक कारण ये भी है कि पढ़ा लिखा लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, सबको ये चाहते हैं कि गुलाम तबके का आदमी हो, जी हुजूरी करे। आज पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम को चेंज करने आया है, कोई नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी भारी आबादी को कोई जगा दे। मैंने जगाया है भाई, आज लोगों को मैं संसद का मतलब बता रहा हूँ, वोट का मतलब बता रहा हूँ, वोट क्यों दिया जाता है उसका मतलब बता रहा हूँ, एक से एक ठेड एग्जाम्पल के साथ। तो मैं लीडर कम टीचर ज्यादा हूँ, तो ये चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों को गुलामी की आदत थी, झंडा डलवाने की आदत थी, तो वो चीजें अब तो हम लोग साइड कर रहे हैं, हम लोग नई पैटर्न के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। जेपीएससी का नोटिफिकेशन इतने कम समय में आता है और इतना जल्दी एग्जाम का डेट दे दिया जाता है, अगले 17 को एग्जाम है, संडे के दिन में एग्जाम है, इतना कम समय करेक्शन फॉर्म भराया और करेक्शन के लिए भी टाइम नहीं दिया गया है। करेक्शन के लिए टाइम नहीं है, प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। देखिए इसमें सारी चीजें हैं कि सीटें पहले से बिक चुकी हैं, कुछ सीटें रहेंगी जिसमें चना वाला का बेटा, कोयला ठेलने वाला का बेटा, बालू ठेलने का बेटा, ये प्रेस के माध्यम से आपको पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम सीटें कॉरपोरेट अमीर लोगों के माध्यम से खरीदी जा चुकी है। अच्छा, जब आप गांव पंचायत में घूम रहे हैं तो बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में मानसिकता बैठा रहता है कि अरे बहुत नेता आया गया कुछ नहीं किया तो जरा महतो क्या कर देगा, तो ये आपके मुंह में भी बहुत सारे लोग हम बोलते हुए सुने। नहीं, नहीं, बोलते हुए सुने और हमने उनको उत्तर भी दिया, बिल्कुल उनका सवाल हमने अपने भाषणों में भी कहा कि इन नेताओं ने राजनेता का पैटर्न ही ऐसा बना दिया, कोई नया लड़का हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है लड़ने का। बताए नेता का मतलब है पैसा वाला, कि चुनाव में आया तो पैसा देगा, ये पैटर्न पहला बता दिया बैठाया इन्होंने। तो लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि निश्चय ही बदलाव होगा, अगर बदलाव नहीं होता तो एक साधारण सा लड़का जिसको मुखिया लड़ने की हैसियत नहीं थी, आज जो संसद के चुनाव में भागीदारी दे रहा है, भागीदारी दे नहीं रहा है, आज बड़ी बड़ी टीमों का हालत खराब करके रखा है, जहां से वो लड़ रहा है कोई अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पा रहे, तो एक साधारण सा लड़का जब यहाँ तक आया है तो कुछ तो बात है, इसीलिए सबको आशीर्वाद देना चाहिए। और हम लोग अगर जीतते हैं तो निश्चय ही झारखंड में युवाओं को एक हिम्मत तो मिलेगी। अगर